अजमेर जिले में एक बार फिर 400 से अधिक कोरोना वायरस मामले सामने आए हैं। ऐसे में कोविड 19 महामारी के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित और एसपी जगदीश चंद्र शर्मा के साथ ही अन्य अधिकारियों ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन का जायजा लेने के साथ ही पीड़ित व्यक्तियों से जानकारी ली और उन तक तमाम व्यवस्थाएं मिले इसके भी निर्देश दिए गए। अजमेर कलेक्टर ने बताया कि लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा माइक्रो कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है और बढ़ता प्रभाव कम हो सके इसे लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है। एसपी जगदीश चंद्र ने बताया कि जिस इलाके में मामले बढ़ रहे हैं वहां पुलिस का अतिरिक्त जाप्ता तैनात किया गया है और सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन के आधार पर सख्ती को और तेज किया गया है। अभी कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए जहाँ पर केसेस आ रहे हैं उस एरिया में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं ताकि जो पॉजिटिव लोग हैं वो आइसोलेटेड ही रहें और बाहर दूसरों को संक्रमण ना कर पाएँ। तो उसी का दौरा कर रहे हैं मैं और एसपी साहब और इंसिडेंट कमांडर यहाँ शास्त्री नगर में। आगे भी हम लोग जाएंगे अजय नगर पहाड़गंज, यहाँ पर देख रहे हैं कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन में टीम की तरफ से कैसी कार्रवाई हो रही है, बैरिकेडिंग हो या फिर उनके कॉन्टैक्ट ट्रेस हो और उनका भी लोगों का भी ख्याल सही से रखा जा रहा है, इसकी व्यवस्था देख रहे हैं। अब इसके बाद फिर हम लोग जो अभी एक पखवाड़ा निकला है अनुशासन पखवाड़ा, उसकी भी पालना कैसी हो रही है, उसमें लोग किस तरह से पालना करें वो भी देखेंगे। और एक और हमने और एसपी साहब ने ये हिदायत दी है सभी को कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख पा रहे अगर कहीं शॉपकीपर्स तो उनकी ज़िम्मेदारी है कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाएं और उसके अनुसार ही अपने ग्राहकों को खड़ा होने के लिए कहें, और नहीं तो फिर अन्यथा हमें जो अनुमत दुकानें हैं उनको भी सीज़ करना पड़ेगा कल से। वैक्सीन के लिए आज भी शहर में बहुत अच्छा चल रहा है, कल भी परसों भी बहुत अच्छा वैक्सीनेशन हुआ अपने अजमेर में। ज़िले में 4 लाख से ऊपर लोगों ने फर्स्ट डोज लगा दी है, 70,000 से ऊपर लोगों ने दोनों डोजे लगा दी हैं। तो वैक्सीनेशन जैसे जैसे हमें वैक्सीन मिल रही है बहुत ही अच्छी तरह से लोग आ रहे हैं और प्रॉपर वैक्सीनेशन लगा के यहाँ से लाए हैं। कल रात्रि को राज्य सरकार ने कुछ विशेष क्षेत्रों में छूट के साथ पुनः कर्फ्यू की घोषणा की है जो 3 मई सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगी। इस पूरे अवधि में लोग अपने घरों में रहें, जिनको अनुमति है वही घर से बाहर निकलें और अपना काम करके वापस अपने घर पहुंच जाएं और वो भी मास्क पहने निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इन सब का पालन करवाने के लिए पूरे ज़िले में हमने पर्याप्त पुलिस फोर्स दिया है, होमगार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमने सर्कल स्तर पर किया है, अभी अतिरिक्त जाप्ता हमने ब्यावर, किशनगढ़, केकड़ी, पुष्कर, नशीराबाद सभी जगह अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराया है और सभी थानाधिकारी वृत्ताधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वो स्वयं बाहर निकलें। और जो चेक पोस्ट हमने लगाई है विभिन्न कस्बों में, शहरों में और कुछ और ग्रामीण क्षेत्रों में भी, उन चेक पोस्ट में प्रत्येक व्हीकल की जाँच हो, किस कारण से बाहर निकला है उसकी तसल्ली होने के बाद ही उसको जाने दें और अगर अनावश्यक हो घूमता पाया जाए तो उसका व्हीकल जब्त होना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही हम समझाइश का भी प्रयास कर रहे हैं, लोगों को बार बार बैनर पोस्टर के माध्यम से भी अपील कर रहे हैं और ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि महामारी बड़ी घातक है, इसकी सेकेंड वेव बहुत ही खतरनाक है, इसलिए हम सबको बचाना है और आप लोग बिना कारण घर से बाहर नहीं निकलें, अगर निकलना पड़े तो मास्क पहन के निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करें। घर को एक तरीके से सीज कर दिया है तो उनको खाद्य सामग्री या फिर अन्य जो संसाधन है, दवाइयाँ हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है जिन लोगों को हमने क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन किया है उनकी देखभाल के लिए कलेक्टर साहब ने पर्याप्त व्यवस्था की है। ये इनके ब्लॉक लेवल के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको संभालते हैं, उनके दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं। किसी को खाने के पैकेट की आवश्यकता है तो इंदिरा रसोई योजना के तहत उनको खाने के पैकेट भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कहीं भी कहीं फिलहाल कोई इस तरह की शिकायत नहीं मिली है कि उनकी कोई दवाई या कोई खाने की समस्या हो।